दोस्तों नमस्कार, मैं विवेकानंद यादव, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY खबर ही खबर। करारी हार के बाद महागठबंधन के कुछ नेतागण कुछ कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, लेकिन बिहार के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक विरासत को संभालने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री पूर्व और विपक्ष के वर्तमान के नेता आज कहाँ हैं, ट्रेसलेस हैं, उनकी खोज जारी है, उनके बारे में कोई नहीं बता रहे कि वो कहाँ हैं। आज बहुत बड़ी घटनाएं हो गई और मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत चमकी बुखार में हो चला है। हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आ गए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आ गए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे चले गए, पप्पू यादव विरोध जता रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का अब तक बयान नहीं आया, ना ही उन्होंने दौरा किया। यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं? करारी हार के दंश को झेलने से इतना कमजोर हो गए कि वो अब जनता के बीच में मैदान में नहीं आना चाहते। क्या इतने कमजोर हैं तेजस्वी यादव? क्या लालू प्रसाद यादव ने जिस जमीन को बनाया, क्या उस जमीन में खेती करने में सिंचाई में कमी रह गई? अगर कमी रह गई तो दोबारे सिंचाई की जा सकती है, फसल उगाई जा सकती है, फिर एक बार लड़ा जा सकता है हिम्मत और मर्दानगी के साथ। लेकिन आज तेजस्वी प्रसाद यादव पर बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि चमकी बुखार से करीबन 100 बच्चे मर चुके हैं, अस्पताल मुजफ्फरपुर में खचा खच भरा हुआ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हो चुका है, विरोध प्रदर्शन नेताओं के खिलाफ में जारी है जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव की नींद न खुली। क्यों नहीं खुली, कहाँ है वो, इसका ट्रेस लगाना राजनेताओं को मुश्किल हो रहा है। कोई कहते हैं दिल्ली में है, कोई कहते हैं विदेश में है, कोई कहते हैं सिंगापुर में है, कोई कहते हैं हांगकांग में है, तो आखिर है कहाँ? लास्ट समय में उन्हें पटना हवाई अड्डे के अंदर जाते हुए देखा गया, लेकिन वहां से वो कहाँ गए? क्या कोई योजना बना रहे हैं? क्या पारिवारिक उलझन से दूर चले गए हैं? या भाई भाई का विवाद बढ़ चुका है, या भाई के ससुर के विवाद के कारण वो साइड हो गए? कहीं न कहीं कोई बात है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे प्रखर वक्ता, अब विद्वान, काबिल, तेजस्वी, जनता के दिल का धड़कन तेजस्वी यादव आज ट्रेसलेस है। जनता खोज रही है, जनता जानना चाहती है कि आप हो कहाँ। आज लू से लोग मर रहे हैं, आज चमकी बुखार में लोग मर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का ना तो ट्विटर से कोई मैसेज आया, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना उन्होंने दौरा किया। जनता खोज रही है, अब राजद के नेताओं को भी जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। क्या तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भाग गए? क्या तेजस्वी यादव कोई नया योजना बना रहे? क्या तेजस्वी यादव आराम कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव हार के दंश को झेलने में विफल हो गए? क्या तेजस्वी यादव एक हारे हुए पहलवान की तरह पस्त हो चुके, या हारे हुए पहलवान की तरह जीतने की योजना बना रहे? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह राजद परिवार और तेजस्वी प्रसाद यादव लालू के लाल तेजस्वी प्रसाद यादव पर लग चुका है। इस प्रश्न का जवाब उन्हें बिहार के धरती पर आकर फिर एक बार धुआंधार रोड शो और सभा करके और पीड़ितों से मिलके डोर टू डोर जाकर जवाब देना होगा, ताकि विरोधियों का मुंह बंद हो सके। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कंजूसी ना करते हुए लाइक करें कम से कम,
और कमेंट भी करें, शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लाल बटन और घंटी दबा के सब्सक्राइब कर दें मेरे वीडियो को, ताकि मैं आपको नया नया वीडियो तेजी से सबसे पहले जोश के साथ दे सकूं और आप मेरे जोश को बढ़ा सकें। धन्यवाद।